बिकॉज यू आर नॉट प्रॉपरली एक्लिमेटाइज, हम सबको चक्कर आ रहे हैं, लेस ऑक्सीजन की फीलिंग हम लोग अच्छी तरह से फील हो रही है, और शोभित शाहनेज और वसीम गाड़ी के अंदर जगह बैठ गए, रिचार्ज कर रहे हैं अपने आपको। A very good morning from Lachain, everyone. It's 6:30 in the morning. We were supposed to leave from here by 5. लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाया because मैं बीमार पड़ गया था, मुझे indigestion type कुछ हो गया था, पेट बहुत दुख रहा था, vomiting हुई, सर दुख रहा था, नींद ठीक से नहीं मिली. So decide ये हुआ था कि मैं नहीं जाऊँगा, लोग जाएंगे, but then दोस्त थे, छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं थे. फिर मैंने बोला मेरे को थोड़ा टाइम दो, जरा मैं वॉमिट करता हूँ, तो मैंने सब कुछ वॉमिट आउट कर दिया. And now I feel better. I know काफ़ी लोग बोलेंगे निखिल तेरी तबीयत खराब है तो तू व्लॉग क्यों कर रहा है. थिंग इज दैट जो चीज़ है ना, ये व्लॉगिंग है, मुझे पुश करती है कुछ अच्छा करने के लिए. एंड वाइल डूइंग दैट आई फील अ लॉट बेटर. बाई द वे वेदर देखो कितना खूबसूरत है, बहुत फॉग है और हम लोग को जल्दी निकलना पड़ेगा बिकॉज बारिश हो रही है, तो शायद आर्मी वाले आगे ही जाने नहीं देंगे, है ना. यस चलो जल्दी चलते हैं. आशीष बोलता है कि वो चांद है, भाई चांद नहीं सन है वो. आशीष को चांद दिख रहा है. मैं मानता हूँ इश्क में आदमी को चांद में भी सूरज दिखता है, सूरज में चांद दिखता है. हेलो ओ भाई जी, रोड देख लो भाई जी. गाइस नेक्स्ट टाइम ना या तो नहीं आना है या तो बाइक लेके आना है, या तो बाइक भिजवा के आना है. लेकिन तो आधा रास्ता आ गए और आधा बाकी है, मतलब 35 किलोमीटर बाकी है ना. और exactly. यहाँ पर तो इतनी ठंडी नहीं है लेकिन लगता है आगे जाके ठंडी बढ़ेगी. और एज ऑलवेज व्यू देखो. और बेटी कितना चल रहा है? एक नंबर. एक नंबर. एक नंबर. क्या बात, एक नंबर लाइफ. हम लोग यहाँ रुके तो हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं ब्रेकफास्ट करने वाला, फॉर ऑब्वियस रीजंस. और देखो मैंने अपना कैमरा काट डाला था. लोकल साइट सीइंग चोपटा वैली 13,200 फीट, काला पत्थर ब्लैक रॉक 15,300 फीट. क्या बात. मुझे ना अभी एक बहुत रियलाइजेशन हो रही है कि लद्दाख बाइक से करना तो बहुत ईजी है, गाड़ी में बैंड बजती है यार. मतलब सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है कोई भी डेस्टिनेशन करने का, स्पेशली लद्दाख हो गया, नेपाल हो गया, कुछ भी हो गया, कि आप मुंबई से शुरू करो, आप अपने खुद के डेस्टिनेशन से शुरू करो, ना कि वहाँ फ्लाइट लेके जाओ वो करो, वो इजी हो जाता है. हालांकि मैं अभी वही करने वाला हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी जाऊँगा तो मैं फ्लाइट लेके जाऊँगा, बिकॉज मैं कर चुका हूँ दो तीन बार, तो बार बार मतलब नहीं बनता, फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है यार. कमजोरी सी फील हो रही है यार. खाओ ना यार. नहीं यार, खाऊंगा तो फिर यार मुझे पूरा वो सिस्टम एकदम क्लीन करना है, एकदम ड्रेन करना है. लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वाला हुआ था, बिकॉज जो खाना यूजुअली होता है बहुत ब्लैंक होता है, मोस्टली दाल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, ज्यादा कुछ हैवी नहीं खाता हूँ. इस बार शायद मसाला, अंडा, पनीर सब मिक्स करके खाया. इसलिए हुआ है क्योंकि अपन पानी बहुत कम पिए कल. मैं पानी पी रहा था, मैं पी रहा था रेगुलर के हिसाब से, बहुत कम था खाना था. और नींद मेन तो नींद थी, 3 घंटा सोए. यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके ना, ये जगह उस जगह से बेटर है जहाँ पर हम लोग ठहरे हुए हैं. अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि व्हाट इफ हम लोग यहाँ पर आके रुकते, फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, तो घर वालों को फोन करके इन्फॉर्म नहीं कर पाते, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेटवर्क नहीं होगा तो वीडियो कैसे अपलोड होगा. चाइनीज इन द रेस्ट हैविंग द वाईवाई नूडल्स. और यहाँ का चूल्हा देखो, नो गैस, ओनली लकड़ी. सो अब ये देख के धोखा मत खाना, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये सिर्फ वो चूल्हा का धुआं निकलता ना गर्म रहता है, इसलिए डाला हुआ है. एंड ये देखो चूल्हा लकड़ी से जला रहे हैं लोग. ऐसी जगह पे आना अच्छा भी लगता है एक बार एक्सपीरियंस करना, लेकिन मैं ऐसी जगह पे लंबे टाइम तक नहीं रह सकता. हाउ अबाउट यू गाइस? एक दो दिन. हाँ एक दो दिन. तू आशीष? नेट आ जाए तो रह लूंगा. जेट स्प्रे नहीं है? नहीं. चलो वसीम मैं रह सकता, वो लगवा लेंगे ना. तू आशानिस? आई कैन स्टे ओवर 10 डेज 12 डेज नो मोर देन दैट. रेडी आशीष? चलो जल्दी चलो. तो अभी जल्दी ऊपर जाना पड़ेगा वरना 10:30 के बाद आर्मी वाले आगे जाने नहीं देंगे आपको. राइट हेलो.
Right now we are 18,800 feet and this is Gorodungma Lake. Very beautiful and very vishal. यहाँ पर बर्फ गिरती होगी तो I can't even imagine कितना खूबसूरत दिखता होगा. सडन क्लाइंबर इस बार गाड़ी में आने की वजह से हम लोगों ने अक्लेमेटाइजेशन नहीं किया है. दैट्स व्हाई वी ऑल आर गोइंग थ्रू AMS अक्यूट माउंटेन सिकनेस. तो शायनेस शोभित और आशीष तो गाड़ी में ही थे. हम लोग जब बाथरूम में गए उस साइड तो चल के गए, सांस फूल गई. स्टेयर्स चढ़ना उतरना नहीं होता, चक्कर आ रहे थे. गाड़ी में मैं भी बैठा 10-15 मिनट के लिए और अभी हम लोग डिसाइड किया था कि नीचे जाएंगे, लेकिन अदर थिंग इज दैट इट कैन रेन. द क्लाउड्स हैव कम. It's freezing. 2-3 डिग्री है यहाँ पे और शोभित और आशीष वहाँ पर गए, थोड़ा थोड़ा नीचे गए हैं फोटो निकालने के लिए. Hats off to them यार. शूटिंग के लिए गए थे. शूटिंग के लिए. मिला शॉट अच्छा? ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है, रेस्टोरेंट्स नहीं है. और अभी देखो यहाँ पर आके मान लो कुछ हो जाता है, मान लो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से कोई बेहोश हो जाता है तो क्या करेंगे? क्योंकि 14 किलोमीटर पास, क्योंकि सब मिलिट्री वाले दूर हैं. मैंने ड्रोन उड़ाने का सोचा लेकिन ड्रोन इसलिए नहीं उड़ाया बिकॉज वहाँ पर सब बंकर्स लगे हुए हैं एंड दिस प्लेस इज वेरी क्लोज टू चाइना बॉर्डर. तो मैं हिम्मत करके कैसे कैसे तो नीचे जा रहा हूँ. ऑल्दो आई नो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन बिकॉज ऊपर आने में मेरी फटने वाली है और ऑलरेडी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को सर बहुत दुख रहा है एंड आई कैन सी वहाँ पे और वहाँ पे बारिश गिर रही है, दिख रहा है मुझे क्लियरली. तो अगर मेरे ऊपर आते तो बारिश गिरी तो और ये मैं पहुंच गया हूँ. ओह माय गॉड, लुक एट द वाटर, इट्स सो क्लियर. तो चलो नीचे आना वर्थ इट हो गया. अभी फटाक से मैं ऊपर जाता हूँ और अभी मेरी फटने वाली है. क्या हुआ? एंड बिकॉज टुडे इज वेरी क्लाउडी करके वो वैसा वाला फोटो नहीं मिल रहा हम लोग जैसा आपको गूगल में दिखता है एकदम, वो फोटोशॉप लगता है कि फोटोशॉप नहीं है. पहले मैं भी धोखा खा गया था कि फोटोशॉप है, लेकिन बाद में वो जो हमारे ड्राइवर अंकल है उन्होंने मुझे हमको बताया अगर आप विंटर्स में आओगे जब द स्काई इज क्लियर एंड इट्स कवर्ड ऑफ स्नो यू कैन सी द स्नो रिफ्लेक्शन ऑल्सो एंड द स्काई रिफ्लेक्शन लुक्स लाइक अ टिपिकल मिरर लेक. लेकिन अगर विंटर्स में आने का प्लान कर रहे हो तो कैरी एन ऑक्सीजन सिलेंडर, 3 layers ऑफ क्लोथिंग पहनो और क्योंकि एंड जस्ट बी केयरफुल बिकॉज बहुत ही ज़्यादा फटने वाले. और अगर आपको कुछ हुआ तो 12 किलोमीटर्स तो कोई हेल्प नहीं है. सो सोच लो और गाड़ी ज़्यादा देर के लिए बंद मत करना, गाड़ी चालू नहीं होगी. लेकिन यू नो व्हाट, इट्स वर्थ इट इफ यू कम टू लंच एंड यू डोंट कम हियर, इट्स नॉट वर्थ इट, यू हैव टू कम. अभी ऑफ सीजन है करके आपको कभी शॉप्स नहीं दिख रहे चाय कॉफी के. आप जब सीजन के टाइम पे आओगे तो 2-4 शॉप्स दिख जाते हैं बिकॉज काफी टूरिस्ट आते हैं, हम लोगों ने सुना है, बट नॉट कम्पेयर टू लद्दाख. यहाँ पर जरूर आओ, मजा आ जाएगी बॉस. मैं ये साल के एंड तो नहीं लेकिन कोट नहीं कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि बहुत लाइफ बिजी हो गई है, लेकिन मैं और शानिस डिस्कस कर रहे थे कि यार कैसे भी करके बाइक में आने की कोशिश करेंगे. हाँ, है ना? हाँ तू तो आएगा मेरी जान. ये जगह और वो क्या था, मुस्टांग वैली इन नेपाल, वहाँ तो जाना ही है बॉस. अभी हम लोग वापस जा रहे हैं लाचीन, उसके बाद होटल चेंज करेंगे और जाएंगे लाचून में. होटल बुकिंग हो गई है लेकिन जाते थे हम लोग डिसाइड किया कि हम लोग रुकेंगे इधर चोपटा वैली में, विच इज एट 4,035 meters एंड इज रियली ब्यूटीफुल. एंड व्हाट मी एंड आशीष डिसाइडेड कि चलो थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट लेते हैं. सो इन 3, 2, 1 Oh,
तो आशीष और शोभित का लड़ाई हो रही थी बिकॉज़ उन लोगों को अगरबत्ती का प्लान उखाड़ना था, पर वो अगरबत्ती का प्लान था ही नहीं, तो कैंसिल कर दिया मैंने, प्लान नहीं उखाड़ा, गो ग्रीन। We are back to our room in Lachin. अभी सामान पैक करेंगे, गाड़ी में डालेंगे and we leave for Lachin. ये Lachin, Lachin में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोगों को. Anyways, Lachin is 50 km, 45 km away from Lachin. और अभी हम सबका सर दर्द के मारे फट रहा है. Probably इसलिए because हम लोग 18,000 altitude पे पहुंच तो गए और पहुंच के फटा से नीचे आए. और गाड़ी में सोते सोते लौटते पोटते अगर हाँ आशीष ने मुझे बहुत जम मरवाया आज वापस फोटो के लिए, बदन अच्छा है. आशीष मेक्स मी लुक रियली गुड. यू कैन से द आशीष होपफुली विल बी माई संजय लीला भंसाली. And you can, जो भी एक्टर तुमको पसंद है, जो जिसको संजय लीला भंसाली ने ऊपर बनाया है, तुम बोल सकते हो. ऐसे देखिए बिल्कुल लगता नहीं होगा ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया सिवाय बिस्किट के और चाय के. हाँ ये मेरी हालत है, लेकिन कोशिश जारी है कि कैमरे के सामने एनर्जेटिक लगूँ. और कैमरे के सामने नहीं, वैसे भी एनर्जेटिक हूँ, क्या बोलते हो गाइस? क्योंकि अभी तबीयत एकदम ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया अभी, सब मुझे सब फ्लश आउट हो चुका है. तो शायद आज रात को मैं डिनर करूँगा, बट हल्का सा करूँगा क्योंकि मुझे फिर से बीमार नहीं पड़ना है. तुम लोग भी जरा हिसाब में खाओ बॉस, दबा दबा के खा रहे, यहाँ ये खाना है, वहाँ वो खाना है, ऐसा खाना है. जब होगा ना बेटा तब हालत खराब हो जाएगी, पैंट गीली हो जाएगी तेरी, गीली वाटरफॉल. अरे वो वांटेड वांटेड मूवी का डायलॉग है ना, गीली हो जाएगी तेरी, गीली. डाल दिया सब कुछ? हेलो बस. हमारा नसीब ना एक्चुअली बहुत अच्छा है, पूरा दिन बारिश नहीं हुई, अभी बारिश चालू हुई और अभी हम लोग निकल रहे हैं. अरे ये देख कुछ कर... तो क्या हुआ? मुझे तो खिचड़ी चाहिए, क्या ले रहे हो? एक अपन मटर पनीर बोल दिया, एक अपन अभी सेकंड वेजिटेबल जो है वो डिसाइड कर रहे हैं, क्या लेना चाहिए? कितनी देर में बन जाएगा सर? थोड़ा टाइम लगेगा, एक घंटा तो. Lachin से Lachin तक की जर्नी कुछ खास नहीं थी, बारिश हो रही थी, फॉग था, बाद में अंधेरा हो गया, तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया. नाउ आई एम गोना हैव माय फर्स्ट मील ऑफ द डे एंड देन कॉल इट ऑफ आफ्टर हैविंग माय मेडिसिन. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड विद दैट सेट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर यू वांट आवर लवली फ्रेंड्स. आई विल सी यू टुमारो. आई नो आई एम लाफिंग. बाय. सडन क्लाइम और गाड़ी मारने की वजह से हम लोग ने अक्लिमेटाइजेशन ठीक से नहीं किया. एकदम सही था.